गाइस जो इंटरनेट ब्राउजर एप्स होता है तरह तरह के एप्स मिल जाएगा, बट उसमें जो मोस्ट पॉपुलर एक इंटरनेट ब्राउजर एप्स होता है वो होता है गूगल क्रोम ब्राउजर। ऐसे में आप भी अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा, तो वही गूगल क्रोम ब्राउजर का दो ऐसे यूजफुल फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर गाइस आप इस्तेमाल करते हो गूगल क्रोम ब्राउजर तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, इसीलिए गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ साथ नॉलेजेबल भी है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलिए विद टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया गूगल क्रोम ब्राउजर, ऐसे देखा जाए प्ले स्टोर में जाओ इंटरनेट ब्राउजर सर्च करो तरह तरह की एप्स मिल जाएगा, बट उसमें जो मोस्ट पॉपुलर एक ऐप होता है गूगल क्रोम ब्राउजर तभी यूज करता है। ज्यादातर यूजर गूगल क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करता है। मैं भी जो कुछ भी इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना होता है गूगल क्रोम ब्राउजर में डेफिनेटली करता हूँ। ऐसे में हर एक स्मार्टफोन में अलग अलग ब्राउजर होता है जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। जैसे कि आपके पास में अगर वीवो का स्मार्टफोन होगा तो वीवो ब्राउजर मिल जाएगा, ओप्पो का स्मार्टफोन होगा तो ओप्पो का ब्राउजर मिल जाएगा, डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है। अदरवाइज जो गूगल क्रोम ब्राउजर हर एक स्मार्टफोन में मिलता ही है। आप भी अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होना चाहिए जो यूजफुल सेटिंग्स अभी मैं बात करने वाला हूँ जिसके बारे में। तो गाइस इसीलिए वीडियो को अभी जाओ लाइक करो, शेयर करो, बढ़िया सा एक कमेंट कर दो, बाद में आप लोगों को कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंस्टेंट अपना क्रोम ब्राउजर में जाओगे, भाई आपका क्रोम ब्राउजर में वो सेटिंग है या नहीं है। अगर है आप उसको इंस्टेंट चेक करोगी, क्योंकि जो इंटरनेट ब्राउजर करता है वो तरह तरह की चीज़ें करता है भाई, इस वजह से सेफ सिक्योर रहना है। ऐसे तो क्रोम ब्राउजर सेफ है, बट इसमें जो फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ और भी सेफ हो जाएगा अगर आप उसको चेकआउट करोगी पर डे। तो आपका जो कुछ भी आप करते हो गूगल क्रोम ब्राउजर में, जो कुछ भी सर्च करते हो, जिस किसी भी वेबसाइट में विजिट करते हो, आपको कोई दिक्कत या परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपका डेटा सेफ सिक्योर रहेगा, बट उस सेटिंग्स को आपको करना है। इसी वीडियो में उसी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ या एक अपडेट फीचर के बारे में भी बात करने वाला हूँ। जैसे कि पहला सेटिंग्स के बारे में बात किया जाए, जो हम लोग किसी भी, मानो आपके पास में कोई पीसी या लैपटॉप है तो उसमें क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग क्रोम ब्राउजर में कोई एक पार्टिकुलर वेबसाइट में तो टिक नहीं रहता हूँ भाई, हर एक अलग अलग वेबसाइट में विजिट करता हूँ। कब न्यूज़ में चला गया, कब यूट्यूब में चला गया, कब फेसबुक में चला गया, ऐसे में हम लोग को न्यू टैब ओपन करना पड़ेगा, नया नया विंडोज ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास में कोई डेस्कटॉप या पीसी में आप इस्तेमाल करते हो तो आप लोग को मतलब नए नए विंडोज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, न्यू टैब में आप जाओ, यूट्यूब, फेसबुक, जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ा मिलता है। उसके बाद आप लोगों को जो न्यू टैब मिलता है पीसी या लैपटॉप में, तो उसमें साइड बाई साइड आप लोगों को मिल जाएगा। आप यूट्यूब में भी जा सकते हो, उसके बाद और एक क्लिक फेसबुक पर भी जा सकते हो, बट वही चीज़ स्मार्टफोन में अगर यूज किया जाए तो उस चीज़ में ही होता है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको न्यू टैब ओपन करने से पीसी जैसा तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, चाहे आप डिजिटल मोड में ही करो तब भी नहीं दिखेगा। आपको न्यू टैब में प्रेस करो, उसके बाद आपका रिसेंट में जो सारा कुछ आपने इस्तेमाल किया है वेबसाइट सारा कुछ शो करेगा। आपको स्वाइप अप करके देखना पड़ेगा कौन सा साइट में आप फिर से विजिट करना चाहते हो, बट अभी जो नया फीचर अपडेट हुआ है इसमें आप शॉक्ड हो जाओगे। मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं स्मार्टफोन को ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में विजिट कर गया। अभी हम मेरा क्रोम ब्राउजर का जो इंटरफेस है आप लोग देख सकते हो, उसका न्यू टैब में प्रेस किया आप देख सकते हो इंटरफेस कुछ इस तरह है, बदल गया है पूरा, मैं मतलब स्वाइप अप जैसा नहीं रहा। तो बात इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, ऐसा नहीं है जो भाई सिंपल सा ये तो अपडेट है इसको बताने का क्या जरूरत है। जैसे कि मानो बहुत ऐसे भी यूजर का पर्टिकुलर एक साइड रहता है, मतलब मानो जैसे कि मेरा पर्टिकुलर कुछ साइड है, बट आप लोगों का भी होगा कोई पर्टिकुलर साइड, चाहे न्यूज का हो या फेसबुक का हो, तो ऐसे में आप उन्हीं साइड को मिला के एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप में ग्रुप होता है या फेसबुक में ग्रुप होता है, उसी तरह क्रोम ब्राउजर में भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट करने से क्या, आप जो जो पर्टिकुलर वेबसाइट में रेगुलर पर डे विजिट करते हो उसी साइट को लेकर के आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपल आप लोग को न्यू टैब में जाना है, जाने के बाद थ्री डॉट मिल जाएगा उसमें प्रेस करना है, प्रेस करना आप लोगों को ग्रुप टैब्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको ग्रुप टैब्स में प्रेस करना है, जैसे ही ग्रुप टैब्स में प्रेस करोगे, प्रेस करने का आपका जितना न्यू टैब में जितना वेबसाइट आपने ओपन किया सारा वेबसाइट आप लोगों को कर जाएगा। तो उसमें जो जो पर्टिकुलर वेबसाइट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसी में आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद देन आपको ग्रुप ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट करो, ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद ये जो ग्रुप आपने क्रिएट किया, आप ग्रुप में जितना वेबसाइट को ऐड करके रखोगी उसमें क्या होगा, जैसे मेरा जो ग्रुप में कुछ वेबसाइट ऐड किया हुआ है, तो फिलहाल मैं कोई भी एक वेबसाइट में प्रेस कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक वेबसाइट में प्रेस किया,
मेरा ग्रुप पर जितना वेबसाइट ऐड किया हुआ है, जितना वेबसाइट को लेकर के मैंने ग्रुप बनाया, वो सारा वेबसाइट नीचे में शो कर रहा है। आप देख सकते हो नीचे में शो कर रहा है, मतलब आप एक ही वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में स्विच करना इजी हो जाएगा। आपको फिर से न्यू टैब में प्रेस करके जाना नहीं पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप में जिस तरह होता है उसी तरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कैसे ही कोई भी वेबसाइट में, पर्टिकुलर वेबसाइट में हम लोग विजिट करता हूँ तो कोई भी वेबसाइट में बैकलिंक जरूर होता है। तो बैकलिंक के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा बैकलिंक क्या होता है वेबसाइट के अंदर में। बहुत ऐसे वेबसाइट में कम बैकलिंक मिलता है या बहुत ऐसे भी वेबसाइट मिलता है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा से बैकलिंक मिल जाता है। कौन सा वेबसाइट, ज्यादातर मूवीज वेबसाइट में बैकलिंक ज्यादा होता है। तो ऐसे में कोई भी वेबसाइट में अगर विजिट किया हो तो विजिट करने के बाद वेबसाइट में तो बैकलिंक मिलता है, आप कुछ भी काम करो बैकलिंक आपको मिलेगा ही। तो बैकलिंक में आप मानो आप जानबूझ के प्रेस करो या अनजाने में प्रेस करो, तो प्रेस करने के बाद वो अदर्स लिंक डाला हुआ है तो उसमें एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, बट ऐसा अभी नहीं होगा। अब जैसे ही बैकलिंक में प्रेस करो, पीछे में आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं साइड में विजिट किया, उसके बाद देन मैं एक आर्टिकल में प्रेस किया, उस आर्टिकल का और एक बॉक्स हो गया। ये पहले जो था एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, बट अभी आपका नीचे में शो करेगा पीसी या लैपटॉप जैसा साइड बाई साइड आपको शो करेगा, तो इसमें काम जो है आसान हो जाएगा। अभी जो और एक नया सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ये और भी यूजफुल सेटिंग्स है। अगर आप क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हो, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते हो, आप तरह तरह की साइट में विजिट करते हो, तरह तरह की चीजें करते हो, तो आप लोग को इस सेटिंग्स के बारे में जानना चाहिए। ये सेटिंग्स करके रखने से आपको ही फायदा होगा, आपका डेटा जो है सेफ सिक्योर रहेगा। क्योंकि भाई जो बहुत ऐसे यूजर होता है जो क्रोम ब्राउजर में तरह तरह की साइट्स को ओपन करता है, आप समझ सकते हो किस तरह, मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कौन सा चीज के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो सारा साइट में भी विजिट होता है या तरह तरह की साइट में विजिट होता है, लेकिन गाइस एक बात याद रखना, एक बात नोटिस करना, अभी स्कैम ज्यादा चल रहा है जिस वजह से आपका डेटा भी हैक हो सकता है। आपका कोई पर्सनल अकाउंट होगा क्रोम ब्राउजर में, चाहे यूट्यूब अकाउंट हो या कोई बैंक अकाउंट का डिटेल्स हो, ये सारा कुछ हैक हो सकता है। इस सारा चीज से आपको बचना है, क्योंकि जो क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करता है तो क्रोम ब्राउजर में कुछ ना कुछ अकाउंट तो डेफिनेटली उसका रहता है, चाहे यूट्यूब अकाउंट हो या ईमेल अकाउंट हो, किसी का भी पर्सनल कुछ चीजें होता है, डेटा होता है, या बहुत ऐसे भी वेबसाइट होता है जिसमें विजिट कर जाओ आप लोग ऑटोमेटिकली तरह तरह की साइट में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगी, तो इसमें आप लोग का स्कैम ज्यादा होता है। तो इस सारा चीज से बचने के लिए आप लोग एक फीचर मिलेगा सेफ्टी चेक क्रोम ब्राउजर में, इसको आपको चेकआउट करना है। कैसे करना है दिखा देता हूं। तो जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट में प्रेस करना है, देन आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को नीचे में बहुत सारा तो सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि मतलब सर्च इंजन मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, पेमेंट मेथड मिल जाएगा, एड्रेस एंड मोर मिल जाएगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, थीम मिल जाएगा, होम पेज मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा, उसके बाद साइट सेटिंग्स, लैंग्वेज, लाइट मोड, डाउनलोड, अबाउट क्रोम, ये सारा फीचर मिल जाता है। एक फीचर आपको मिलेगा सेफ्टी चेक, उसका साइड में आपको न्यू दिखेगा, मतलब ये नया नया सेटिंग्स अपडेट हुआ है। तो ये सेफ्टी चेक क्या है, तो गाइस इसमें आप लोगों का गूगल क्रोम ब्राउजर में जो जो साइट में आपने विजिट किया, कोई ऐसे भी बहुत सारा साइट होता है या बहुत सारा फेसबुक पर या बहुत तरह तरह के लिंक आता है जिस लिंक में प्रेस करो अकाउंट क्रिएट करो, क्रिएट तो बहुत ऐसे यूजर कर देता है क्रोम ब्राउजर में जाके, उसके बाद पासवर्ड को भी सेव कर देता है, बट वो पासवर्ड चेक करते हो बाद में, वो पासवर्ड कोई किसी के पास में जा रहा है या अकाउंट हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मानो जो आपका कोई साइट में आप विजिट किए हो सारा साइट अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ब्राउजिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप वो सारा साइट में तो विजिट कर रहे हो बट उसमें आपका डेटा क्या जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सेफ चेक में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि सेफ चेक में आप प्रेस करोगे आपको चेक नाउ मिल जाएगा, चेक नाउ में आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका अपडेट ऑप्शन, पासवर्ड ऑप्शन, सेफ ब्राउजिंग ऑप्शन, तीनों ऑप्शन चेक होगा, जैसे कि एंटीवायरस जैसा ही आप लोगों को काम करता है। जैसे कि मेरा देख सकते हो अपडेट जो है वो चेक हो गया, ब्राउजिंग मैंने अभी तक कोई ऐसे ब्राउजिंग पर नहीं गया जो मतलब कोई रिस्क हो। उसके बाद पासवर्ड में मेरा कुछ एरर दिखा रहा है, जैसे हाँ जैसे साइड में पासवर्ड कुछ रॉन्ग दिखा रहा है, जैसे कि देख सकते हो कौन सा वेबसाइट में मैंने पासवर्ड अकाउंट क्रिएट किया, पासवर्ड उसमें चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, वो सारा वेबसाइट भी आ गया, आपको अभी इसी तरह आ जाएगा, आपको भी चेक कर लेना। अगर आप हर रोज ज्यादा वेबसाइट में विजिट करते हो, तरह तरह की चीजें करते हो, वो सारा चीज देखते हो, तो आप लोगों को पर डे आप लोगों को सेफ चेक जो फीचर दिया गया है इसमें आपको चेक कर लेना है क्या आपने कौन सा साइट में रॉन्ग तरीके से विजिट किया नहीं किया। अगर किया वो साइट में अकाउंट क्रिएट किया तो आपको इंस्टेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो फीचर है बहुत ही कमाल के फीचर है। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया क्रोम ब्राउजर का दो ऐसे यूजफुल फीचर के बारे में। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने सही बताया ये एक यूजफुल फीचर है, आपको पता है या नहीं है ये भी कमेंट जरूर करना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।